तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड बेसिकली भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सोलो रैंक पुशिंग के बारे में, कैसे आप लोग सोलो में रैंक को प्लस कर सकते हो, और अगर आप लोग का रैंक डायमंड लीग पे अटक गया तो आप लोग कैसे हीरोइक जा सकते हो बहुत ही आसानी से, ये मैं आपको आज किस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड बेसिकली भाई लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग डायमंड 4 से बहुत ही आसानी से हीरोइक जा सकते हो, वो भी कम से कम टाइम में, ठीक है, और अपने हर एक मैच को प्लस कर सकते हो। और आपको तो पता है कि आपका भाई इस सीजन बहुत ही तगड़ा वाला रैंक पुशिंग करने वाला है, और जहां तक हो सकेगा आपका भाई वहां तक रैंक पुश करेगा, चाहे वो हीरोइक हो, हीरोइक 1 स्टार हो, 2 स्टार हो या फिर ग्रैंड मास्टर हो, ठीक है, आपका भाई वहां तक रैंक को पुश करेगा, ठीक है। और ये वीडियो हमारी रैंक पुश सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है, और अगर आप लोग इस रैंक पुश सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो यार चलो, आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फेरोनिक, एंड आप लोग देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल फेरोनिक गेमिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लैंडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। हर एक लीग पे लैंडिंग करने का टिप अलग होता है, चाहे आप प्लेटिनम पे हो, गोल्ड पे हो, डायमंड पे हो, फिर हीरोइक पे हो, हर एक लीग पे लैंडिंग करने का टिप अलग होता है, ये आप ध्यान में रख लो। अब मान के चलो कि आप प्लेटिनम पे हो, प्लेटिनम 4 पे हो, तो वहां पर क्या होगा ना कि वहां पे रश करके खेलने वाले बंदे ज्यादा आएंगे, और तब क्या होगा कि बहुत सारे बंदे पीक, क्लॉक टावर या फिर मील पे उतरेंगे, तो ऐसे में आप लोग प्लेन से दूर भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका रैंक डायमंड 4 है, डायमंड लीग के ऊपर है, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा कैंपर्स देखने को मिलेंगे। सो ऐसे में सिंपल सी बात है कि आपको रैंक को पुश करने के लिए पीक, क्लॉक टावर या फिर थोड़ा सा ऐसी जगह पे उतरना होगा जहां पे आपको बंदे भी मिले एंड वहां पे आपको लूट भी मिले, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम छुप के खेलो, आप फाइट ही मत लो, बिकॉज ऐसे में आपको जो स्किल होता है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, आप कभी भी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको रैंक को भी पुश करना है, साथ में आपको फाइट भी करना है, ठीक है, दोनों चीज करना है, एक चीज कभी मत करना, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायमंड 4 पे हूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं डायमंड 4 पे हूँ, और यहाँ पर मैं उतरा था कैटलिस्टवा में, और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई और बंदा नहीं आया, ठीक है, मतलब मैं ही अकेला हूँ पूरे कैटलिस्टवा में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से लूट किया, एंड यहाँ पे मेरे पास काफी अच्छी लूट हो चुकी है। अब देखो, लूट में हमको क्या चाहिए, बस गन, वेस्ट और ग्लूवॉल, जो कि मेरे पास खाली सब कुछ है बस वेस्ट को छोड़ के। और यहाँ पर मेरे पास 3 टोकन थे, मतलब FF टोकन, मतलब मेरे पास 3 थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं जाके वेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं था। सो यहाँ से मैं गया, मैंने 3 का वेस्ट निकाला, और यहाँ पर मेरी लूट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इस टाइम पे मेरे को कोई बंदा भी मिल जाए तो अभी मैं उसको बहुत ही आसानी से मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी परफेक्ट लूट है, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि आप लैंडिंग करो, उतरो, जहाँ कहीं भी आप उतर रहे हो वहाँ पे आपको सबसे पहले लूट करना है, और आपके पास एक परफेक्ट लूट होना चाहिए। मान लो कि आपके पास गन हो, वेस्ट हो, और साथ में आपके पास ग्लूवॉल होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है, ठीक है, सो आप किसी भी एनिमी से बहुत ही आराम से फाइट ले सकते हो, और आप उसको हरा भी सकते हो। सो गाइस, मेरे कहने का मतलब है कि आपको उतरने के बाद लूट करना है, ठीक है, ना कि किसी एनिमी से फाइट लेना है। आपके पास लूट होना चाहिए, अगर आप लूट करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सो ऐसे में आपके पास लूट होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर तब तक फाइट नहीं करना जब तक आपके पास एक परफेक्ट लूट ना हो जाए, जब तक आपके पास शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज का गन ना हो जाए, ना ग्लूवॉल हो जाए, और जब तक आपके पास वेस्ट ना हो जाए तब तक आपको फाइट नहीं लेना, ठीक है। आपके पास 2-3 लेवल का वेस्ट, 2-3 लेवल का हेलमेट, ग्लूवॉल एंड आपके पास गन होना चाहिए, ठीक है, और ये होता है आपका प्रॉपर लूट। और जब तक आप लोग के पास इतना लूट ना आ जाए तब तक आपको किसी भी एनिमी से फाइट नहीं लेना है, ठीक है, और आपको हमेशा स्टार्टिंग की फाइट को अवॉइड करना है। मैच को एकदम एंड तक लेके जाओ, आपको वहां पर आराम से किल मिल सकता है, पर आपको स्टार्टिंग की फाइट को अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब देखो, अगर आप लोग स्टार्टिंग में मर जाते हो तो आपका बहुत ही गंदा वाला माइनस लगता है। सो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। सो आपको स्टार्टिंग की फाइट को अवॉइड करना है, ठीक है, रुकना है थोड़ा, वेट करो। तो भाई लोग, अभी हम बात करते हैं अपने टिप नंबर 2 के बारे में। तो गाइस, हमारी जो टिप नंबर 2 है वो है गाइस आप लोग का प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी अनुमान लगाना, ठीक है। नहीं समझे, सच्ची में कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अभी आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं जा रहा हूँ मतलब CPR की साइड में, ठीक है, और यहाँ पर जो एक लॉन्च पैड होता है वो मतलब उसका डायरेक्शन चेंज है, मतलब यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कोई ना कोई बंदा यहाँ से तो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं देखा तो शायद वो टावर के ऊपर मतलब एम जा रहा था मेरा। सो यहाँ पे से थोड़ा सा हिलाया, यहाँ पे मैं टावर के पास पहुँच गया, और यहाँ पर देखो सामने चिमकांडी, ओ भाई कितने मजे से कैंपिंग कर रहा है, देख रहे हो। चलो भाई, हर कुत्ते का दिन आता है, इसका भी आएगा। और ये बंदा चिमकांडी मतलब देख लिया साथ मेरे को, चलो वॉल लगा दिया, कोई बात नहीं, अपन तो कवर में है ना, परमानेंट कवर में है। सो यहाँ से मैंने वॉल को तोड़ने का ट्राई किया, मैंने वॉल को तोड़ भी दिया, एंड फाइनली बंदा देख रहे हो भाई, ये क्या कर रहा भाई तू, हेलो 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 भाई, ओ भाई नीचे कूद गया, लोल ओ भाई ओपी हेडशॉट,
बंदा मतलब नीचे कूदा, उसको डायरेक्ट एम मेरा उसके हेड पे गया और उसको काफी ओपी वाला हेडशॉट लगा। मतलब देख रहे हो बंदे का किस्मत कितना टट्टी है, मेरे से बचा तो वो नीचे जाके मरा। ओ भाई। सो इसी के साथ हमारे एक किल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम देखते हैं कितने बंदों को मार पाते हैं। एंड भाई लोग देखो, कैंपिंग करना कोई गलत बात नहीं होता, ठीक है, आप जहाँ चाहे वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हो, बट आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि वहाँ पर कोई और बंदा ना आ पाए। अब देखो, अगर ये बंदा चाहता तो ये उस साइड भी कैंपिंग कर सकता था, बट इसने ऐसा नहीं किया। और अगर ये बंदा यहाँ पर कैंपिंग करता तो शायद मैं इसको देख नहीं पाता, मैं वहाँ से चला जाता, बट उसने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। वो एकदम ओपन में एकदम मजे से मतलब कैंपिंग कर रहा था, उसको लगा कोई देखेगा ही नहीं। पर आपको तो पता है कि आपका भाई का निगाह चील का निगाह है, मतलब 10 किलोमीटर बंदा हो तो भी तुम्हारा भाई देख लेगा। सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भाई लोग, आप मेरे को एक बात बताओ कि आपके पास कितने लाइट पास है, ठीक है, आपके पास कितने लाइट पास है, बस आपको ये कमेंट करो, मेरे को बताओ ताकि मैं भी जानूं कि आपके पास कितने लाइट पास हैं। तो जिस भी भाई ने कमेंट नहीं किया जल्दी से कमेंट करो, और जो ये कमेंट नहीं करना चाहते वो भाई कुछ प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है, अपने भाई के लिए कुछ प्यारा सा कमेंट कर दो। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो आगे इन फ्यूचर, ठीक है, सो आपको नीचे कमेंट में #2 कमेंट करना है, ठीक है, #2 कमेंट कर देना, ठीक है भाई लोग। एंड भाई लोग, यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, जो ये डब्बा होता है मैं इसको पहन के आके यहाँ पर बैठ गया, और अभी आप लोग यहाँ पर देखना कि मेरे साथ क्या होता है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कर रहा था कैंपिंग, ठीक है, और यहाँ से एक बंदा गया, ठीक है, देख रहे हो ना सामने बंदा है, और इसने मेरे को देखा नहीं, मैंने इसको डैमेज दे दिया। एंड बंदा काफी ज्यादा डैमेज है, मतलब देख रहे हो ना भाई लोग, एंड मैंने इसको जाके इधर से बहुत ही ओपी वाले हेडशॉट के साथ किल किया। सो भाई लोग देखो, अगर आपके आसपास कोई ऐसा ड्रम वगैरह मिलता है ना, तो ऐसे में बस आपको चुपके से आके बैठ जाना है, उसको पहन लो और पास में कहीं पे आके बैठ जाओ। और आपने यहाँ पर देखा कि मैंने इस बंदे को कितनी आसानी से मार दिया इसका यूज करके। सो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर एक बंदा और आया, फाइनली इसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया। एंड भाई लोग, क्या मारा भाई, गंदा मारा वो भाई साहब। सो यहाँ पर मैंने एक वॉल लगाया और यहाँ से मैं बैक गया। सो अगर बंदा मेरे को डैमेज देता तो यहाँ पे मर जाता, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बैक गया, मतलब बहुत गंदा वाला डैमेज दिया, शायद पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं एक बंदे को मार के बैठा तभी चिमकांडी बाहर निकल गया, ओ भाई साहब। और यहाँ से गया, बंदा कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है बंदा, कहाँ पे है बंदा, ओ भाई साहब, देखते कहाँ पे आगे। ओ भाई चिमकांडी, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ चलो कोई बात नहीं, लगा ले वॉल भाई, कितना वॉल लगाएगा। सो मैंने इसको काफ़ी सही डैमेज दिया। सो क्या हम इस बंदे को मार पाएंगे, ओ भाई साहब। तो यहाँ पर मैंने सामने एक वॉल लगा दी ताकि सामने वाला बंदा मेरे को डैमेज ना दे पाए। सो यहाँ पे भी रश करते हैं फटाफट से, ओ भाई इसको डैमेज दिया, बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। एंड अभी ये भागेगा, देखना अभी ये भागेगा। ओ भाई फाइनली इसको मैंने किल कर दिया। सो यहाँ पे हमारे 3 किल कंप्लीट होते हुए, वो भी बिना ज़्यादा रश किए हुए, ठीक है, बस ये मैंने रश किया, बाकी कहीं और रश नहीं किया। तो भाई लोग देखो, अगर आपने किसी बंदे को डैमेज दिया, किसी एनिमी को डैमेज दिया, ज़्यादा डैमेज दे दिया, तो आप सबसे पहले उसके आगे वॉल लगाओ, ठीक है, उसके बाद रश करके आराम से मारो। बिना वॉल के कभी भी रश मत करना, बिना कवर के कभी भी रश मत करना, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लो जो काफ़ी प्रो, ठीक है, वो जब भी किसी एनिमी को ऊपर रश करेगा तो सबसे पहले वॉल लगाएगा और कवर लेके रश करेगा, तो आपको भी हमेशा कवर लेके रश करना है, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारे भाई के 3 किल कंप्लीट हो चुके हैं, तो देखते हैं कितने बंदों को मार पाते हैं। और यहाँ पर आपको गेम प्ले के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलता रहता है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई लोग। और यहाँ पर मुझे आगे चिमकांडी दिखा, इसको भी मैंने बहुत ही आसानी से मार दिया। एंड यहाँ पे हमारे 4 किल कंप्लीट होते हुए, और भाई लोग मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप ओपन में मत रहना, ठीक है, आप कभी भी ओपन में मत घुमा करो, बिकॉज जैसे मैं आपको कहाँ से पड़ेगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। अभी आप लोग यहाँ पर देखो कि एक बंदा आ रहा था, इसको मैंने बहुत ही ओपी वाले हेडशॉट के साथ किल किया, बिकॉज ये ओपन में था एंड मैं कवर में था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि इसने मेरे को नहीं देखा, मैंने इसको देख लिया, मतलब मैंने इसको सबसे पहले स्पॉट कर लिया था कि बंदा आ रहा है। और सामने वाले चिमकांडी को मेरी लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मैंने इसको बहुत ही आसानी से मार दिया। तो भाई लोग, आपको ज़रा से ज़रा ट्राई करना है कि आपका जो लोकेशन है वो एनिमी को पता ना चले। आपने सामने वाले बंदे को स्पॉट कर लिया, बट सामने वाला बंदा आपको देख नहीं पाया, मतलब आपको स्पॉट नहीं कर पाया है, तो ऐसे में आपका फ़ायदा ही होगा। मतलब देखो, अगर आपने सामने वाले बंदे को देख लिया लेकिन सामने वाला बंदा आपको नहीं देख पाया, तो ऐसे में आपका ही फायदा होगा ना, आप उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हो। सो यहाँ पर एक चिमकांडी हो रहे, तो देखते कि हम इसको नेट से मार पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने नेट को कुक करके सामने वाले बंदे के पास फेंक दिया, एंड बंदा बच गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक चिमकांडी जैसे थोड़ा सा ओपन में आया, मैंने इसको बहुत ही आसानी से मार दिया। तो भाई देखो, बंदा कितना ही बड़ा प्रो क्यों ना हो, कितना ही बड़ा लेजेंड क्यों ना हो, अगर आप उसे फाइट करते हो तो सबसे पहले आप उसको ओपन में लेके आओ, ठीक है, ट्राई करो कि उसको आप कवर से बाहर लेके आओ। आप उसको कुछ ऐसा लालच दो कि वो अपने कवर से बाहर निकल जाए, और जैसे वो अपने कवर को छोड़ के बाहर निकलता है तब आप उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हो, ये बहुत ही निंजा टेक्निक है। तो यहाँ पर हमारे 6 किल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी 7 बंदे लाइव हैं, और यहाँ पर हम टॉप 10 में भी बहुत ही आसानी से पहुँच गए हैं। तो भाई लोग देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको टॉप 3 करना है। अगर आप लोग अच्छा खासा प्लस चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक को प्लस करना चाहते हो, तो आपको टॉप 3 तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, जितना प्लस आपको भूया करने पर मिलता है, अगर आप लोग टॉप 3 या फिर टॉप 2 कर लेते हो तब भी आपको
उतना ही प्लस मिलेगा, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपने इस मैच को विन किया, ठीक है, और आपको वहाँ पे 40 का प्लस मिलता है, तो जो बंदे टॉप 2 पे होंगे, फिर जो टॉप 3 पे होंगे, उनको भी 40 का ही प्लस मिलेगा। और जब भी आपका जोन छोटा हो, तो आपको ट्राई करना है कि आपको हमेशा जोन के साइड में रहना है, आपको मिडिल में नहीं जाना, बिकॉज वहाँ पे आपका सैंडविच भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नादान परिंदों की तरह घूम रहा था, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को कोई दिखा नहीं, इस बंदे कहाँ पे, मेरे को खुद पता नहीं भाई बंदे कहाँ पे हैं। वो सामने दिखा चिमकांडी, चलो देखते इसको मारने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बंदा थोड़ा बहुत तो प्रो है यार, मानना पड़ेगा, इसने वॉल लगाया। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास नेट था, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कुक किया, एंड सामने वाले बंदे के पास फेंक दिया, एंड बंदा खत्म। और आपको तो पता है कि आपका भाई का नेट कभी भी खाली नहीं जाता, ठीक है, कभी भी खाली नहीं जाता है। क्या ही किस्मत थी लोंडे की, मतलब नेट से मर गया, ओ भाई साहब। तो यहाँ पे अभी 3 बंदे बचे, ठीक है, मतलब मेरे को छोड़ के 3 बंदे बचे हैं। सो देखते बंदे कहाँ पर है। सो यहाँ पे मैंने लूट किया, चलो फटाफट से लूट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को वॉल चाहिए, मेरे पास वॉल भी हो चुकी है, काफ़ी सही वॉल है। और देखते कि हम बंदों को मार पाते हैं, बुया ले पाते हैं, फिर हमारे साथ क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहना। और यहाँ पर एक बंदा और ख़त्म है, अभी सिर्फ 2 बंदे बचे, ठीक है, मतलब 1v2 का सिचुएशन है। तो देखते सामने मैंने वॉल डाला, अब 2 बंदे बचे, ठीक है, एक बंदा मेरे सामने, एक बंदा पीछे था, ठीक है, आप लोग देखना पीछे था, पर वो मेरे को दिखा नहीं। और यहाँ पर मैं ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। और यहाँ पर चिमकांडी ने बुया ले लिया पीछे से मार के, ठीक है, अगर ये सामने होता तो मैं इसको आसानी से मार देता, बट ये पीछे था, मेरे को दिखा भी नहीं भाई लोग, सॉरी यार। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग मेरा रैंक देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी डायमंड 4 पे हूँ, और आपको तो पता है कि डायमंड 4 का लॉबी कैसा आता है। लेकिन फिर भी आपके भाई ने 7 किल के साथ टॉप 2 तो कर ही लिया था। सो आपको ये गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे मेरा दिन का पहला मैच था, तो यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा प्लस मिला। सो आपको भी हमेशा ट्राई करना है कि आप टॉप 2 या फिर टॉप 3 तक तो पहुंच ही पाओ, ठीक है, इससे भी आपका काफी ज्यादा प्लस होता है। और जब भी दिन का पहला मैच खेला करो, तो काफी ध्यान से खेला करो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि आपको तो पता है कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके भाई को कितना ज्यादा मोटिवेट करता है हमारी अगली वीडियो के लिए। तो मिलते किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।